आज के समाचार के मुख्य प्रायोजक हैं। दरभंगा की शान आनंद भोग आटा। मिथिला में धूमधाम से मनाया जा रहा है चौरचन का पर्व। लाखों खर्च के बावजूद डीएमसीएच में गंदगी के बीच सूखते हैं मरीजों के कपड़े। दे रहे हैं बीमारी को न्योता। सालाना खर्च होता है 25 से 30 लाख रुपए। गैर कानूनी ढंग से चल रहे पैथोलॉजी लैब को किया गया सील। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद जिले में चल रहे अवैध पैथोलॉजी के मामले में स्वास्थ्य महकमा हरकत में आ गया। पैथोलॉजी लैब को सील करने के बाद लैबो एसोसिएशन सीएस कार्यालय में किया हंगामा। लगाया दोहरी नीति का आरोप। स्नातकोत्तर संगीत नाटक विभाग में 2 दिवसीय धरना शुरू। अपनी मांगों को लेकर संगठन के छात्रों ने जमकर की नारेबाजी। गणेश पूजा की तैयारी लगभग पूरी। बृहस्पतिवार से मनाया जाएगा गणेश पूजा। राज्यपारा में कल छात्र संघर्ष समिति डीएमसीएच शाखा में छात्रों का दूसरा दिन भी हड़ताल जारी रहा। बड़े ही धूमधाम से कई वर्षों से चल रहा है हॉस्पिटल रोड हरियाणा में महाशक्ति मां भद्रकाली पूजा। जयनगर का सबसे प्रतिष्ठित होटल नारायण होटल। शुद्ध शाकाहारी भोजन एवं नाश्ता के लिए यहां एक बार अवश्य पधारें। विभिन्न तरह की मिठाइयों का उत्तम व्यवस्था है। यहां प्रत्येक शुभ अवसर पर विशेष मिठाई का ऑर्डर लिया जाता है। स्वच्छ एवं सुंदर वातावरण में जयनगर का एकमात्र शुद्ध शाकाहारी होटल नारायण। प्रोप्राइटर हरि नारायण यादव। पता अंबे होटल के नीचे मेन रोड जयनगर मधुबनी। मोबाइल नंबर 8340604600। नमस्कार, सी टीवी मिथिला में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील भारती। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद जिले में चल रहे अवैध पैथोलॉजी के मामले में स्वास्थ्य महकमा हरकत में आ गया, जिसको लेकर आज दरभंगा के हॉस्पिटल रोड स्थित अवैध पैथोलॉजी नेटवर्क के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने SDO राकेश कुमार गुप्ता और DSP अनोज कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई शुरू कर दी गई और करीब 1 दर्जन से ज्यादा अवैध ढंग से चल रहे पैथोलॉजी लैब को सील कर दिया गया। वहीं इस कार्रवाई को देखते हुए दर्जनों अवैध ढंग से चल रहे पैथोलॉजी लैब के संचालक अपनी दुकान का शटर गिराकर फरार हो गए। वही CTV मिथिला से बात करते हुए सदर SDO राकेश कुमार गुप्ता ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में बहुत सारे पैथोलॉजी और क्लिनिक जो चल रहे हैं वो मानक के अनुरूप नहीं है। न उनके पास कोई उस प्रकार का मशीन है और न ही उसके पास मानक के अनुरूप उस प्रकार का व्यवस्था की गई है। इस आलोक में सिविल सर्जन के द्वारा हम लोग को पत्र आया कि दरभंगा शहर में 27 पैथोलॉजी सेंटर अवैध ढंग से चलाए जा रहे हैं। इस विशेष अभियान के तहत 12 से 14 मजिस्ट्रेट का टीम बनाकर हम लोग सभी सेंटरों पर रेड करवा रहे हैं और सभी को 24 घंटे के अंदर सील करके हाई कोर्ट को इसका रिपोर्ट देंगे। दरभंगा जिले में जो भी अवैध ढंग से पैथोलॉजी चल रहे हैं उस सभी पर हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे और आज शाम तक सभी पर मामला भी दर्ज किया जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में मनीष न्यायालय और हाईकोर्ट के आदेश में बहुत सारे यहाँ जो पैथोलॉजी के सेंटर सब हैं दरभंगा जिले में और जो वो सब जो पैथोलॉजी सेंटर है और जो क्लिनिक चल रहा है वो मानक के अनुरूप नहीं है। ना उनके साथ उतना उनके पास मशीन है, ना वैसा वो मानक के अनुरूप कोई उनके पास व्यवस्था की गई है। उस आलोक में सिविल सर्जन के द्वारा हम लोगों को पत्र आया है कि सभी दरभंगा म्युनिसिपैलिटी क्षेत्र अंतर्गत लगभग 27 ऐसे पैथोलॉजी सेंटर हैं जो अमानक होने के कारण अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं। आज विशेष अभियान के तहत 12-14 मजिस्ट्रेटों का टीम बना करके हम लोग सभी सेंटरों पर रेड करवा रहे हैं और सबों को 24 घंटे के अंतर्गत सील करके हम माननीय उच्च न्यायालय में इसका रिपोर्ट देंगे। और दरभंगा जिले में कोई भी पैथोलॉजी जो भी है जो नियम के विरुद्ध चल रहा है उन सबों पर हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे और जो भी लोग हैं उन सबके विरुद्ध आसाम शाम तक सब पर FIR भी दर्ज कराया जाएगा। करवा चौथ के अलावा भारत में एक हिंदुओं का एक और त्योहार है जिसे चांद की पूजा की जाती है। यह पूजा खासकर मिथिला में मनाया जाता है जिसे चौरचन या चौरचन कहा जाता है। इस पर्व में चांद की पूजा बड़ी धूमधाम से होती है। मिथिला के अधिकांश पर्व त्योहार मुख्य तौर पर प्रकृति से जुड़े होते हैं।
चाहे वह छठ से सूर्य की उपासना हो या चौरचन में चांद की पूजा का विधान, मिथिला के लोगों का जीवन प्राकृतिक संसाधनों से भरा पूरा है। उन्होंने प्रकृति से जीवन के निर्वाहन करने के लिए सभी चीजों मिली हुई है और ये लोग इसका पूरा सम्मान करते हैं। इस प्रकार मिथिला की संस्कृति में प्रकृति की पूजा उपासना का विशेष महत्व है और इसका अपना वैज्ञानिक आधार भी है। मिथिला में गणेश चतुर्दशी के दिन चौरचन पर्व मनाया जाता है। कई जगहों पर इसे चौरचन भी नाम से जाना जाता है। इस दिन मिथिलांचल के लोग काफी उत्साह में दिखाई देते हैं। लोग विधि विधान के साथ चंद्रमा की पूजा करते हैं। इसके लिए घर की महिलाएं पूरा दिन व्रत करती है और शाम के समय चांद के साथ गणेश जी की पूजा करती है। सूर्य अस्त होने और चंद्रमा के प्रकट होने पर घर के आंगन में सबसे पहले अरिपन, मिथिला के कच्चे चावल को पीसकर बनाने जाने वाली अल्पना या रंगोली बनाया जाता है। उस पर पूजा पाठ की सभी सामग्री रखकर गणेश तथा चांद की पूजा करने की परंपरा है। इस पूजा पाठ में कई तरह के पकवान जिसमें खीर, पूरी, पुरुकिया, झुगरिया और मिठाई में खाजा, लड्डू तथा फल के तौर पर केला, खीरा, शरीफा, संतरा आदि चढ़ाया जाता है। घर की बुजुर्ग स्त्री या वर्ती महिला आंगन में बांस के बने बर्तन में सभी सामग्री रखकर चंद्रमा को अर्पित करती है, यानी हाथ उठाती है। इस दौरान अन्य महिलाएं गाना गाती है, पूजा करवे ओरियान गे बहिना चौरचन के चांद शो आन। यह दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। माना जाता है कि इस दिन चांद को शाप दिया गया था, इस कारण इस चांद को देखने के कलंक लगने का भय होता है। परंपरा से यह कहानी प्रचलित है कि गणेश को देखकर चांद ने अपनी सुंदरता पर घमंड करते हुए उनका मजाक उड़ाया। इस पर गणेश ने क्रोधित होकर उन्हें यह श्राप दिया कि चांद को देखने से लोगों को समाज से कलंकित होना पड़ेगा। इस श्राप से मलित होकर चांद खुद को छोटा महसूस करने लगा। सांप से मुक्ति पाने के लिए चांद ने भ्राद मास, जिसे भादो कहते हैं, की चतुर्दशी तिथि को गणेश की पूजा की। तब जाकर गणेश जी ने कहा, जो आज तिथि में चांद की पूजा के साथ मेरी पूजा करेगा उसको कलंक नहीं लगेगा। तब से यह प्रथा चलित है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सिविल सर्जन के द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में आज सुबह दरभंगा में शहर में 27 अवैध पैथोलॉजी लैब को SDO राकेश कुमार गुप्ता के और DSP अनोज कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। करीब एक दर्जन से अवैध ढंग से चल रहे पैथोलॉजी लैब को सील कर दिया गया। बात की जानकारी जैसे ही एसोसिएशन ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट को चली तो दर्जनों की संख्या में दरभंगा के सिविल सर्जन कार्यालय पहुंचकर हंगामा करते हुए सिविल सर्जन के खिलाफ न जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी आवाज को बुलंद करने लगे। वहीं मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट विनोद कुमार ने कहा कि जो गजट लागू किया गया है सभी जगह सिविल सर्जन को मिल गया है, लेकिन फिर भी सिविल सर्जन ने अनुमंडल पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी को लेकर लैब को सील करवा दिए गए हैं। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। लैब टेक्नोलॉजी के लैब को चलाने का अधिकार दिया गया है, बेसिक लैब चलाने का अधिकार दिया गया है, लेकिन फिर भी लैब को सील कर दिया गया है। उसी के खिलाफ हम लोग सिविल सर्जन से मिलने आए हैं, जबकि स्वास्थ्य विभाग से चिट्ठी आया है, फैक्स, मेल, सभी चीज आ गया है, फिर भी लैब को सील कर दिया गया है और यूनियन के एक आदमी को जबरदस्ती उठाकर भी ले गया है, जिसके विरोध में हम लोग आए हैं। तो गजट लागू किया है, उस सब जगह सिविल सर्जन को भी मिल गया है, लेकिन फिर भी सिविल सर्जन ने अनुमंडल पदाधिकारी या जो भी पुलिस प्रशासन को देके लैब को सील करवा दिए हैं। ये दोहरी नीति नहीं चल। लैब टेक्नीशियन के लैब को चलाने का अधिकार दिया गया, बेसिक लैब चलाने का अधिकार दिया गया है, लेकिन फिर भी लैब को सील करा दिया गया। उसी के खिलाफ हम लोग सिविल सर्जन से मिलने आए हैं और स्वास्थ्य विभाग से भी चिट्ठी आ गया है, सब जगह फैक्स, मेल, सब कुछ आ गया है, फिर भी लैब को सील कर दिया गया। सील किया, उसके बाद मारा भी गया।
विरोध में हम लोग आगे आए हैं, विरोध में हम लोग आए हैं। उत्तर बिहार के सबसे बड़े चिकित्सक संस्थान डीएमसीएच की लॉन्ड्री की अधिकतर मशीनें खराब रहने के कारण वर्तमान में कपड़ों को जहां सुखाया जाता है वहां अनेक प्रकार की बैक्टीरिया व गंदगी पूर्व से मौजूद है। इसके अलावा वाहनों की आवाजाही की वजह से कपड़े धूल से सन जाते हैं। मरीजों को बीमारियों से बचने के लिए सरकार ने लाखों रुपए खर्च कर लॉन्ड्री स्थापित करवाई, लेकिन खुले में सूखते कपड़े सीधे बीमारी को नौता दे रहे हैं, जिसको देखने वाला कोई नहीं है। वहीं कपड़े को साफ सफाई सालाना 25 से 30 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं, बावजूद इन्फेक्शन के बीच रहने को मरीज विवश है। इसके बावजूद अस्पताल के लॉन्ड्री में धूल कपड़े में न तो अच्छे से इस्तेमाल होते हैं और न ही कपड़े को साफ सफाई वाले स्थान पर सुखाया जाता है। टेंडर शर्तों में साफ है कि कपड़े हाथ से नहीं धोए जाएंगे, इन्हें मशीन में सुखाने की शर्त है के अनुसार पैसे का भुगतान किया जाएगा। लेकिन मैकेनाइडल लॉन्ड्री में लगे दो मशीन के अलावे अधिकांश मशीन खराब पड़े हैं, जिसके चलते ठेकेदार कपड़े को बाहर रस्सियों गंदगी के जगह सहित जलकुंभी के ऊपर सुखाते हैं। जिस तरह यहाँ कपड़े की सफाई होती है उसे सर्जरी के मरीज तथा नवजात बच्चे के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होने की वजह से बैक्टीरिया व फंगस से होने वाली बीमारियां उन्हें जल्द होती है। कहने को तो स्थापित मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री में दो वॉशिंग मशीन 70-70 किलो की है, जो हाइड्रो मशीन जिनकी क्षमता एक बार में 25-25 किलो की है। इसके अलावा दो लैंड्रिंग मशीन 50-50 किलो क्षमता वाले हैं, साथ ही एक फ्लैट प्रेस मशीन भी लगा हुआ है। इससे अधिकांश मशीन खराब पड़ा हुआ है, जिसे ठीक करवाने के लिए अस्पताल प्रशासन गंभीर नहीं है। वहीं कर्मचारियों ने बताया कि वहां कपड़े धोने के अलावा कपड़ों को निचोड़ने की एक मशीन ही काम कर रही है, अन्य सभी मशीनें कई महीनों से खराब पड़ी है। लॉन्ड्री में कपड़ा सुखाने की मशीन भी कई महीनों से खराब पड़ी है, इस वजह से कपड़े को सुखाने का काम खुले में करते हैं, जो सही नहीं है। मशीन 6 लगल है और 2 चल रहा है, 4 मशीन खराब। कौन कौन सा मशीन खराब है? एगो धोने वाला खराब है, एगो पानी काटने वाला, 2 सूखने वाला। तो फिर आप लोग कपड़ा कैसे सुखाते हैं? हम लोग धूप में कपड़ा सुखाते हैं, जो मजबूरन के कारण। ये उचित लगता है आपको बाहर में? नहीं, उचित तो नहीं बुझाता है। इसे क्या खराबी हो सकता है? हम लोग पर जो है कि डिफेंड पड़ेगा, जो हम लोग का तबीयत खराब हो जाता है, रौदा में ज़्यादा रहने के लिए जो है कि नहीं है, कम जो है कि कपड़ा जो है कि वो ठीक है, जो है कि मशीन में सूखना चाहिए, चादर जो है बाहर भी सूख जाता है, उसे तो परेशानी हो सकती। बहुत परेशानी हम लोग के, परेशानी झेल रहे हैं, मजबूरी। वहीं इस संबंध में अस्पताल उपाधीक्षक बालेश्वर सागर का कहना था कि इस बात की जानकारी उन्हें मीडिया के माध्यम से हो रही है कि कपड़े को खुले में सुखाया जा रहा है। मैं खुद जाकर वहां का निरीक्षण करूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री के मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, उसके मेंटेनेंस के लिए सिर्फ कदम उठाए जा रहे हैं। तो अभी आपके द्वारा बतलाया गया है, उस पर हम लोग जो है सो मानेंगे, अभी देखते हैं और अपने स्वयं जा करके निरीक्षण करेंगे। लेकिन उसका 2 चीज़ तो ठीक है, साफ करने वाला और ये सुखाने वाला, वो ठीक है, लेकिन ड्रायर कुछ दिनों से ख़राब था, जिसके लिए हम लोग कंसर्निंग कंट्रैक्टर को लिखे थे। उसका कंट्रैक्टर ने कहा था कि हम नहीं बना सकते हैं, चूँकि इसका हमारा कंट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है। इसके लिए हम लोगों ने नया कंट्रैक्ट निकाल रहे हैं, जिसमें ये दे रहे हैं जो मशीन सहित जो है सो मैंने कपड़ा आप धोने का निकाल रहे हैं टेंडर, जो जल्दी हम लोग निष्पादन जल्द से जल्द करने की तैयारी में। राज्य पारा मेडिकल छात्र संघर्ष समिति डीएमसीएच शाखा के छात्र छात्राओं के द्वारा अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर प्रिंसिपल कार्यालय में तालाबंदी एवं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का आह्वान पारा मेडिकल का छात्र संघर्ष समिति का आज दूसरे दिन भी जारी रहा। सरकार आज पारा मेडिकल काउंसिल गठन करना होगा।
जी आज हम लोग DMCH में कल 11 बजे से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। हम लोग 10 तारीख को कैंडल मार्च किए थे और आज हम लोग की दूसरी दिन अनिश्चितकालीन धरना का है। हम लोग को अभी तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। प्रिंसिपल सर आए थे, कुछ अपना बात बता दिया, बोले कि आप लोग के लिए मीटिंग किया जा रहा है प्रिंसिपल के द्वारा PMCH में, तो सब वहाँ पे 7 सदस्यीय टीम का गठित किया जा रहा है, उसमें आप लोग की मांग रखा गया है। फिर भी हम लोग उस आश्वासन को नहीं माने, हम लोग बोले हम लोग को ठोस कागजी चाहिए। इसके बाद NMCH में परीक्षा नियंत्रक आए थे आश्वासन देने, वहाँ के छात्रों ने उन्हें खदेड़ के भगा दिया। इसलिए भगा दिया गया कि हम लोग को सर 20 साल से हम लोग को सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, हम लोग की मांग पूरी नहीं की जा रही है। हम लोग की सर मांग ये है कि हम लोग जो पैरामेडिकल का काउंसिल का गठन हो, जैसे कि नर्सिंग सब का काउंसिल गठन है, उसी तर्ज पे हम लोग भी अपना काउंसिल मांग रहे हैं। जिस तरह से लड़की को छात्रावास मिला हुआ है, तो सब पर डे काम करते सबको 200 रुपया मिलती है, मतलब मिलता है 200 रुपया। हम लोग को भी चाह रहे हैं कि हम लोग को भी 200 रुपया उस तर्ज पे हम लोग को मिले। हम लोग भी चाहते हैं कि जिस तरह से नर्सिंग का छात्रावास पूरे बिहार में छात्राओं का व्यवस्था किया जाए। और हम लोग का सबसे बड़ी मुद्दा है एकेडमिक कैलेंडर, परीक्षा का जो एकेडमिक कैलेंडर होता है वो हम लोग का एकेडमिक कैलेंडर नहीं है, जिससे हम लोग को सही समय पे एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है, जिससे सभी छात्र की जीवन मतलब पूरे अंधेरे में जा रही है। 2 साल के कोर्स 4 साल में कंप्लीट हो रहा है। सभी छात्र इससे बहुत आक्रोश है और व्यापक है कि हम लोग जहाँ जैसे करना पड़े करेंगे, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं 10 दिन 15 दिन जितना दिन भी करना पड़ेगा हम लोग अनिश्चितकालीन करेंगे। अगर अनिश्चितकालीन से नहीं होगा तो हम लोग अनशन पर बैठेंगे, अनशन करेंगे। अगर इससे भी आगे हम लोग नहीं होगा हम लोग का मांग, तो हम लोग इससे आगे भी अपना आंदा तक पहुँच सकते हैं। हम लोग की सबसे बड़ी बात है कि हम लोग रात को भी यहाँ अनिश्चित धरना करते हैं यहाँ पे, मगर प्रशासन द्वारा हम लोग को कोई भी फोर्स या प्रशासन तैनाती नहीं की गई है, जो कि हम लोग की डर है। हो सकता है हम लोग की रात में हमला भी किया जा सकता है, जिसके हम लोग अगर कुछ होती है इसकी जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव, कंट्रोलर और प्राचार्य और स्थानीय प्रशासन की होगी। और हम लोग की अगर मांग नहीं पूरी होगी तो हम लोग जितना है पैरामेडिकल छात्र तरफ से, अगर स्वास्थ्य मंत्री को घर से घींच के लाना पड़ेगा, हम लोग घर से घींच के लाएंगे और स्वास्थ्य मंत्री को बिहार सरकार को होश में ला देंगे। इस बार हम लोग पैरामेडिकल छात्र संघ, यही क्या नाम है, सुरेंद्र कुमार सुवन, छात्र संघ अध्यक्ष। विश्वविद्यालय संगीत नाट्य विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कामेश्वर नगर परिसर में डायमेट्रिक्स एलुमनी एंड स्टूडेंट एसोसिएशन द्वारा आज 2 दिवसीय धरना शुरू किया गया। वर्तमान सत्र में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नोत्कर संगीत नाटक विभाग में से PhD की पढ़ाई बंद किए जाने के विरोध में विभाग के सामने धरना प्रदर्शन की शुरुआत आज से हुई है। अपनी मांगों को लेकर संगठन के छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। वहीं मीडिया से बात करते हुए संगठन के सचिव सागर सिंह ने कहा कि जब UGC द्वारा दी गई नियमावली के अनुसार कोई आपत्ति नहीं है तो PhD की पढ़ाई बंद कराना घातक है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम चरणबद्ध आंदोलन करते रहेंगे। प्रदर्शन है विश्वविद्यालय द्वारा PRT की जो परीक्षा आयोजित की गई है उसमें नाटक विषय को शामिल नहीं किया गया। हमने इसके लिए पूर्व में भी लगातार मांग रखी है, हर जगह से अलग अलग तरह की भ्रामक जानकारियां दी जाती हैं। विभाग कहता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमने विश्वविद्यालय को इसकी जानकारी दे दी है। विश्वविद्यालय कहता है जो कुछ भी करेंगे विभाग अध्यक्ष करेंगे। UGC के नियमावली के अनुसार, UGC जो नियम बनाकर भेजती है उसके अनुसार हमारा विषय अंतर अनुशासनात्मक विषय है और इसमें बाहर से भी गाइड को रख करके PhD करवाया जा सकता है, जैसा कि पिछले वर्ष तक होता रहा है। इसके पूर्व भी जब नाटक की पढ़ाई होती थी तो म्यूजिक में जो लोग होते थे हेड, उनके अंदर में भी नाटक की पढ़ाई, नाटक की PhD करवाई जाती थी। आज की तारीख में ऐसा नहीं करवाया जा रहा, जबकि पिछले वर्ष ही शिक्षक वही थे, व्यवस्था सारी यही थी, पिछले वर्ष तक इन्होंने PRT की परीक्षा ली। अचानक ऐसा कौन सा परिवर्तन हो गया, जबकि UGC के द्वारा या विश्वविद्यालय के द्वारा गाइडलाइन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, तो ऐसा क्या हो गया जो 10 सीटें नाट्य के लिए थी उसे समाप्त कर दिया जाए। हमारी मांग है कि पिछले वर्ष भी उन 10 सीटों में से मात्र 2 सीट पर लोगों का चयन हुआ था, 8 सीटें खाली रह गई थी, उन 8 सीटों पर लोगों को लिया जाए। इस वर्ष नए सिरे से परीक्षा लेकर के जो 10 सीटें बची हुई हैं, जो 10 सीट इस बार के लिए बनती हैं, उन पर भी छात्रों को लिया जाए और PhD की पढ़ाई लगातार कराई।
दरभंगा जिले में शहर एवं ग्रामीण इलाकों में गणेश पूजा की तैयारी अंतिम चरण में है। शहर के लहरियासराय स्थित पंडासराय बंगलागढ़ नीम चौक मदारपुर दिग्घी पश्चिमी हॉस्पिटल रोड कैदराबाद सहित शहर से विभिन्न ग्रामीणों क्षेत्रों में विभिन्न जगहों पर सार्वजनिक व अपने घरों में गणेश की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना आयोजन किया जा रहा है। शहर की महिलाएं पुरुष युवा बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और संध्या काल में महाआरती का भी आयोजन होता है। वहीं विशाल पंडाल को सजाने का कार्य अंतिम चरण में है तो कहीं मूर्ति को तैयारी कर लिए की जा रही है। बाजार में 5,000 से लेकर 25,000 तक मूर्ति उपलब्ध है। वहीं पुलिस प्रशासन भी विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी ओर से तैयारी में लगे हैं। गणेश पूजा को लेकर आयोजन समिति में काफी उत्साह का माहौल व्याप्त है। 1993 ईस्वी से देवों में अग्रणीय भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना की जा रही है, जो इस वर्ष 26वां वर्ष चल रहा है इस पूजा समिति का। पिछले वर्ष हम लोग 2017 में श्री श्री 108 गणपति पूजनोत्सव समिति लहरी टोला पांडव नगर का सिल्वर जुबली मना चुके हैं। हर वर्ष पिछले वर्ष के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए हर वर्ष एक न एक नया कार्यक्रम इनके भगवान गणेश जी के स्वागत में एक न एक नई तैयारी हर वर्ष की जाती है। क्या कुछ विशेष होने जा रहा है? जी, पूजा का जो कार्यक्रम होता है वो 6 दिनों का है, जिसमें अनेकानेक कार्यक्रम ये समिति दिया है और इस वर्ष भी पूरी तैयारी में है हम लोग कि अधिक से अधिक कार्यक्रम दिखावे। जैसे सुबह में महाकलश यात्रा का कार्यक्रम होगा, महाकलश यात्रा से लौटने के बाद तुरंत बाद भगवान गणेश जी की पूजा आराधना शुरू की जाएगी। उसके बाद फिर संध्या में महाआरती का कार्यक्रम है, महाआरती के तुरंत बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम है, प्रसाद वितरण के बाद भगवान गणेश जी की भजन जागरण का आयोजन है। वो सब का ख्याल रखती है, हर कदम पे साथ निभाती है, जिंदगी को खुशियों से सजाती है और अपने सपने भी सच करना चाहती है। ये है आज की नारी सर्वगुण संपन्न, जैसे आनंद भोग आटा, बेहतरीन गेहूं से बना घर में पिसे आटे जैसा शुद्ध, सेहतमंद और स्वादिष्ट। आनंद भोग आटा है सर्वगुण संपन्न। लाखों खर्च के बावजूद डीएमसीएच में गंदगी के बीच सूखते हैं मरीजों के कपड़े, दे रहे हैं बीमारी को न्योता। सालाना खर्च होता है 25 से 30 लाख रुपए। गैर कानूनी ढंग से चल रहे पैथोलॉजी लैब को किया गया सील। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद जिले में चल रहे अवैध पैथोलॉजी के मामले में स्वास्थ्य महकमा हरकत में आ गया। पैथोलॉजी लैब को सील करने के बाद लैबो एसोसिएशन सीएस कार्यालय में किया हंगामा, लगाया दोहरी नीति का आरोप। स्नोत्कर संगीत नाटक विभाग में 2 दिवसीय धरना शुरू, अपनी मांगों को लेकर संगठन के छात्रों ने जमकर की नारेबाजी। गणेश पूजा की तैयारी लगभग पूरी, बृहस्पतिवार से मनाया जाएगा गणेश पूजा। राज्यपारा में कल छात्र संघर्ष समिति डीएमसीएच शाखा में छात्रों का दूसरा दिन भी हड़ताल जारी रहा। बड़े ही धूमधाम से कई वर्षों से चल रहा है हॉस्पिटल रोड लहरियासराय में महाशक्ति माँ भद्रकाली पूजा। सेंट्रल पब्लिक स्कूल बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, पता BMP 13 सोनकी रोड दरभंगा एवं दूसरा पता सत्संग नगर भैरोपट्टी गन चौक दरभंगा। यहाँ कंप्यूटर क्लास, साइंस लैब, डांस, म्यूजिक, खेल, ट्रांसपोर्ट, पीने योग्य पानी और CCTV कैमरे की व्यवस्था है। यहाँ हॉस्टल की सुसज्जित सुविधा है। संपर्क करें फर्स्ट ब्रांच BMP 13 सोनकी रोड और सेकेंड ब्रांच भैरोपट्टी गन चौक दरभंगा। फैंसी स्टोर एंड बसीर बेल्ट बैग हाउस, यहाँ सभी प्रकार के बैग, बेल्ट, टोपी, चश्मा, घड़ी, लेडीज एंड जेंट्स पर्स, रुमाल, चाबी, रिंग होलसेल रेट में मिलती है। और यहाँ सभी तरह के गिफ्ट, कैरम बोर्ड, बैट बॉल एवं खेल संबंधित सारे सामान भी होलसेल रेट में मिलती है। पहला पता सुभाष चौक टावर दरभंगा, दूसरा पता नाका नंबर 5 नेशनल सिनेमा रोड दरभंगा। कॉन्टेक्ट करें 8709060573।